नवरात्रि में आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी यानी इनकी आयु 8 वर्ष की है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांब धरा कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। ये अमोघ फलदायिनी हैं और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलेश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं।